दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं जो दमन गंगा पर ब्रिज बन रहा है उसके पास, और आप देख सकते हैं सामने जो पिलर हैं वो बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। दो तो यहाँ का काम इतने जोरों शोरों में स्टार्ट हो चुका है फिलहाल कि काफी सारे पिलर वगैरह यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं। स्ट्रक्चर पूरा कसा जा चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आपको अपडेट दे पा रहा हूँ मैं जो कि हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त होंगे और मौज में होंगे। आज मैं फिर से आपको लेके आ गया हूँ बुलेट ट्रेन का अपडेट दिखाने के लिए। हाँ जी दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी वो भी मैंने बापी में ही जो काम चल रहा था उसका ही मैंने आपको अपडेट दिखाया था, और फाइनली अभी मैं आपको बापी में ही हूँ और जो दमन गंगा के ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन का और किस तरह से काम है दोस्तों वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारे पिलर वगैरह बनके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये इस वीडियो में दोस्तों आपको काम कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इस वीडियो में दमन गंगा के ऊपर सबसे लंबा और सबसे हैवी वर्क किया जा रहा है। वहाँ पर ब्रिज का काम है वो सबसे अच्छा किया जा रहा है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको आज का अपडेट। तो दोस्तों ये जो अपडेट है, इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो बना के दिखाई थी वो भी नवसारी में ही आती हैं दोस्तों, जिसके मैंने सुरंग का काम दिखाया था और सुरंग से आगे का जो काम था वो भी मैंने आपको पार्ट टू में दिखाया था, और ये मेरा पार्ट थ्री है जो कि नवसारी में दमन गंगा के ऊपर जो ब्रिज का काम है दोस्तों। ब्रिज का काम मैंने आपको ज़्यादातर भरूच में नर्मदा ब्रिज का जो अपडेट दिखाया था उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिया था मुझे, वो बहुत सपोर्ट किया था, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप मुझे अच्छा प्यार दोगे, अच्छा सपोर्ट करोगे, और फाइनली मैं आपको इस साइड में लेके चलूँगा। और यहाँ का काम आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, सारे पिलर वगैरह और पिलरों की हाइट आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे जगह को लेवल नहीं है, समतल नहीं है। और इससे आगे का जो अपडेट है दमन गंगा तक का मैं आपको कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को बैक कैमरे से और इसको नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से आए थे, इस रूट से आए थे जो कि हमने इससे आगे का जो वीडियो थी मैंने आपको दो वीडियो बना के दिखा दिए हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है, और यहाँ पे जो डिपो है इस यहाँ पे सारे बुलेट ट्रेन के जो पार्ट्स वगैरह रहेंगे वो यहीं पे कंप्लीट किए जाएंगे। और तो दोस्तों फाइनली मैं अभी आपको इस साइड में लेके चलूँगा, और दमन गंगा पे जो बुलेट ट्रेन का काम चालू है वो भी अपडेट आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और अभी मैं फाइनली इसी साइड में लेके चलूँगा आपको, और मैं जो आया था इस साइड से आया था और इस साइड से आपको वीडियो शूट करता हुआ ला रहा हूँ, और अभी फाइनली बिना रुके आपको अपडेट दूंगा दमन गंगा तक का कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना कि अगर आपको और कहां का अपडेट देखना है, मैं कोशिश करूंगा आपको वहां तक का अपडेट दिखाने की। तो यहां पर जो काम दिख रहा है दोस्तों, पिलरों का काम काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीट है पूरा का पूरा, और हाइट देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, और चैनेज नंबर 166 का पिलर नंबर 7 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, और ये आप देखेंगे ना यहाँ पर कहीं कहीं पिलर अधूरे हैं, और यहाँ से पिलरों की काफ़ी ज़्यादा हाइट ली जाएगी क्योंकि ब्रिज की गहराई काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से इसको लेवल किया जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी क्रेन मशीनें हैं जो भारी भारी सामान को ऊपर की तरफ उठाकर ले जाती हैं। ये देखिए दोस्तों जो अपडेट है ना, सामने आपको दिख रहा होगा पूरा एलएनटी का काम जहाँ पर ब्रिज बन रहा है दमन गंगा के ऊपर लगभग, ऐसे जैसे कि पता था मैंने आपको 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ से लगभग हम 500 मीटर चल के आ चुके हैं, अभी 1.5 किलोमीटर की दूरी और है, और वो इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में। फर्स्ट टाइम ये हम आपको अपडेट देंगे दमन गंगा ब्रिज के ऊपर, आज तक आपने कोई वीडियो नहीं देखी होगी दोस्तों जो ब्रिज का काम चल रहा है, और ये हम पहुँच चुके हैं दोस्तों उसी जगह पर जो दमन गंगा ब्रिज है दोस्तों अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं जो दमन गंगा पर ब्रिज बन रहा है उसके पास, और आप देख सकते हैं सामने जो पिलर हैं वो बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और पिलरों की हाइट काफ़ी ज़्यादा ली गई है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें लगभग 9 पिलर हैं, लगभग 350 मीटर ये लंबा ब्रिज है, 350-350 मीटर जैसा लंबा ब्रिज बना जा रहा है ये वाला, और इसका अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप देखेंगे। यहाँ से हम लोगों ने दिखाया ब्रिज का काम, ब्रिज का पिलर यहाँ से गिना जाता है टोटल, और ये आप देखेंगे दोस्तों सामने तक जो आपको काम दिख रहा है दमन गंगा के ब्रिज में, हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं दोस्तों। इसमें अभी फिलहाल क्या है कि दोस्तों अभी पानी का बहाव बहुत कम है क्योंकि पानी कम है अभी इसके अंदर, तो यहाँ पर अभी ज़्यादा बड़ा कोई वो ज़्यादा मेहनत का काम लगा नहीं इसमें ब्रिज पानी को रोकने में, खाली पाइप डालने से पानी को कवर कर दिया गया है दोस्तों। और यहाँ आप देखेंगे दोस्तों चारों तरफ जो पिलरों की जो लंबाई, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों सुंदरता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैंने आपको कई सारे पिलरों का काम दिखाया यहाँ पर गुजरात में जो पिलर बनाए जा रहे हैं, ब्रिजों का काम दिखाया कई जगह पर मैंने आपको, तो यहाँ से आप लुक देखेंगे दोस्तों काफ़ी सुंदर आपको दिख रहा होगा दोस्तों दमन गंगा पे जो ब्रिज का काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये लगभग वापस से 13 किलोमीटर की दूरी पे मैं आपको वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ तक पूरा
ये जो आपको काम दिख रहा होगा पूरा सब नदी है, दमनगंगा ब्रिज, और इसके ऊपर ब्रिज बन रहा है वो आप देखेंगे दोस्तों फाइनली इसका जो लुक कैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं फिलहाल चलता हूँ इस तरफ और इस जगह से आपको व्यू दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा दिखेगा आपको व्यू। और ऊपर जो अधूरे अधूरे पिलर थे उनको भी पूरा कंप्लीट किया जा रहा है क्योंकि पिलर सारे बन के रेडी हो चुके हैं दोस्तों, और इनके ऊपर सीधा लॉन्चिंग का काम अभी बाकी है। लॉन्चिंग का काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको इसके आगे का भी अपडेट दूंगा दोस्तों। मैं आपको बता दूँ इसके आगे का भी लगभग आपको 1-1.5 किलोमीटर का आगे का भी अपडेट दिखाऊंगा कि बाकी के सेक्शन में कितना काम हमें देखने को और मिलने वाला है। तो यहाँ से एक बार व्यू दिखाता हूँ इस तरफ से दोस्तों जो कैसा दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से एक बार व्यू देख लीजिए आप, यहाँ से भी काफ़ी सुंदर दृश्य अच्छा दिखाई दे रहा है इसका जो मैं आपको अपडेट दे पा रहा हूँ दोस्तों। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ दमन गंगा के पास, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पिलरों का काम हुआ है, यहाँ पे लॉन्चिंग का काम अभी बाकी है क्योंकि वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा आज अभी के टाइम पे तो पानी थोड़ा कम है तो इसकी वजह से इनका जो पाइलिंग का काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है और पिलर वगैरह सारे बना के कंप्लीट कर दिए गए हैं। और यहाँ से मैं आपको 1 किलोमीटर तक आगे तक का और इसमें इस वीडियो में अपडेट दूंगा और वहाँ तक का मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना काम हो चुका है। तो फाइनली आप देख सकते हैं दमन गंगा का व्यू जो कि बुलेट ट्रेन का काम जोरों शोरों से चालू है दोस्तों। मैं आपको बैक कैमरे से और इसका नज़ारा दिखा देता हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाऊंगा लास्ट तक पिलर तक, और उसके बाद भी मैंने जैसे कि आपको बताया 1 किलोमीटर तक का अपडेट दूंगा यहाँ पर। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ आगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दमन गंगा का अपडेट मैं आपको दे पा रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और पिलर की हाइट देखेंगे आप और जो पिलर की मजबूती है दोस्तों, लगभग मैं आपको बता दूँ 50 फीट 60 फीट 70 फीट तक 100 फीट तक ये अंदर जमीन के अंदर डले हुए दोस्तों। और ये ब्रिज जो पिलर जब बनाए जाते हैं दोस्तों, जब तक अंदर डाले जाते हैं जब तक नीचे पत्थर नहीं मिल जाता, इसको प्रेशर मशीन द्वारा अंदर तक पिलरों को ठोका जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है और धूप बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है, और आप खुद आप टेम्परेचर देख सकते हैं कितना दोस्तों है इसका हाईफाई। और यहाँ से पूरा पैक किया हुआ है, इस जगह से पानी निकालने के लिए पाइप का रास्ता बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ अभी। दमनगंगा ब्रिज जो अपडेट मैं आपको दे पा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे पानी का बहाव कितना तेज़ है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3-4 5 पाइप डाले हुए हैं जहाँ से ये पानी निकाला जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं पानी का बहाव है जो दमनगंगा का खाली इतनी जगह में पानी कवर कर दिया गया है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा यहाँ से पानी को निकाला जा रहा है आगे की तरफ। तो अभी वैसे मेरे को आगे की तरफ दिखाना है आपको पूरा अपडेट जो आपको दे पा रहा हूँ मैं दमनगंगा में ब्रिज का अपडेट दोस्तों। ये पूरा पिलर कंप्लीट हो चुका है तो इसको पूरा इस तरफ हटाया जा रहा है, इनको अलग किया जा रहा है यहाँ से अभी, क्योंकि उस तरफ से लॉन्चिंग का काम स्टार्ट होने वाला है जल्द से जल्द दोस्तों। तो गाइज मैं अभी गाड़ी पे बैठ जाता हूँ, फिर यहाँ से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाता चलता हूँ दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये मैंने दमन गंगा का आपको अपडेट दे दिया दोस्तों। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ और आगे से आपको पूरा और अपडेट दूंगा 1-2 किलोमीटर तक, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों। दोस्तों ये अपडेट मैं आपको नीचे की तरफ से दे रहा था, अभी मैं एक बार यहाँ पे ऊपर की तरफ चलता हूँ और यहाँ से व्यू और आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा दोस्तों। और ये सारे के सारे पिलर हैं इसके, और इधर ये शमशान घाट है यहाँ का, दमन गंगा मुक्ति धाम दोस्तों। आप देख सकते हैं डूंगरी प्रगति मंडल, ये सब पूरा इसका व्यू आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों मैं। और ये पिलर सारे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी जो हमने दमन गंगा का अपडेट दिया वहाँ से लगभग अभी 1 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके हैं फाइनली गाइस। और यहाँ पर जो इसके जो बुलेट ट्रेन के जो सेगमेंट वगैरह बनाए जाते हैं पूरा यहाँ पर यार्ड बना हुआ है दोस्तों। अभी हम चलेंगे ऐसे आगे की तरफ, आगे भी क्या क्या देखने को मिलने वाला है आप एक बार दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आपको बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे पा रहे हैं, अच्छा अच्छा अपडेट आपको दिखा पा रहे हैं हम। तो ये सारे के सारे पिलर यहाँ पर बन के कम्प्लीट है गाइस, आप देख सकते हैं। और कितना मस्त यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि अपडेट मैं आपको दे पा रहा हूँ। अभी फिलहाल की दोपहर के 1 बज चुके हैं
और इतना ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर आई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बिल्कुल भी चलना चलने का मन नहीं कर रहा दोस्तों। ये देखेंगे आप जो सारे के सारे यहाँ पे काम यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं पिलरों का। उस जगह पर हम जाने वाले हैं अभी और वहाँ पर काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग अपडेट है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेशन बनने वाला है, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर स्टेशन बन रहा है वापी का बुलेट ट्रेन का, उसका अपडेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं दमन गंगा से वीडियो शूट करता हुआ ला रहा हूँ और वहाँ से मैं लगभग 1.5 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ और मेरे पीछे आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा वापी का जो बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, उसका काम भी बहुत ही जोरों शोरों से चालू है दोस्तों। और ये दमन गंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि इस बुलेट ट्रेन का काम आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको आगे तक थोड़ा ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन बन रहा है उसका नज़ारा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पोर्टल बीम बोलते हैं इसको, जो तीन चार बीम मिला के बनते हैं, क्योंकि स्टेशन यहाँ पर होता है ना उस पर इस प्रकार के पिलर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 ट्रैक बिछाए जाते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर भी काम जो है दोस्तों, यहाँ का काम इतने जोरों शोरों में स्टार्ट हो चुका है फिलहाल कि काफ़ी सारे पिलर वगैरह यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं, स्ट्रक्चर पूरा कसा जा चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आपको अपडेट दे पा रहा हूँ मैं, जो कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन है वापी का दोस्तों। और दोस्तों इस स्टेशन की लगभग लंबाई 1 किलोमीटर है और आपको कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाऊंगा मैं, यहाँ से स्टेशन वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने पीछे से, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और ये व्यू आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर स्टील पाइपों द्वारा पूरा ये कंप्लीट हो चुका है इसका दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और ये पूरा यहाँ से कसने के बाद में पूरा ऊपर का फर्स्ट पिलर कंप्लीट होगा, ये 2 मीटर 2-3 वाले का स्टेशन बनेगा दोस्तों ये। और ये देख सकते हैं आप वापी का बुलेट ट्रेन स्टेशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ एक वीडियो में दोनों, दो दो तीन तीन अपडेट में आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। बुलेट ट्रेन स्टेशन वापी, तो ये जो जगह है स्टेशन के एंडिंग में हम लोग आ चुके हैं, आपको पूरा अपडेट दिखा पा रहा हूँ मैं अभी। और आगे तक पिलरों का काम पूरा कंप्लीट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 2025 में ये वाला पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेशन बन के हो जाएगा दोस्तों, रेडी दोस्तों, जैसे कि अपडेट आपको ये देखने को मिल रहा होगा। अभी ज़मीन के अंदर का काम चालू है, क्योंकि इसकी जो मजबूती होगी काफ़ी ज़्यादा हो जा इसकी मजबूती होगी दोस्तों। और ये सामने तक आप देखिए पूरा स्टेशन का अपडेट है, और यहाँ से आपको देखने को मिल पा रहा होगा, मैंने आपको जो अपडेट दिया दोस्तों इसका। तो एक वीडियो में मैंने आपको दमन गंगा का ब्रिज भी दिखा दिया और ये वापी का बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी आपको मैंने दिखाया दोस्तों, जो कि इसका नज़ारा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। अभी बोर्ड इसका बाहर पोस्टर लगा हुआ, पोस्टर दिखा दूँ मैं, और उस पर डिज़ाइन दी गई है इसकी, किस प्रकार की डिज़ाइन दी जाएगी दोस्तों इसकी। और यहाँ पर भी पाइलिंग का काम चालू है दोस्तों, अंदर आप देख सकते हैं। तो लगभग हम लोग अभी आ चुके हैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल के आ चुके हैं, जो स्टेशन का लंबाई है वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर है दोस्तों। इधर भी स्टेशन तक का काम पूरा दिया जा रहा है, यहाँ तक सामने आप देख रहे हैं। और दोस्तों इसका नक्शा कैसा होगा वो मैं भी आपको दिखा दूँगा, आगे पोस्टर लगाया हुआ जो इसकी डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखा दूँ किस प्रकार की डिज़ाइन दी जाएगी दोस्तों। और ये रोड है, मेन रोड है, उसको क्रॉसिंग कर रहा है सीधा का सीधा, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर इसका डिज़ाइन दी गई है, किस प्रकार की डिज़ाइन होगी इस बुलेट ट्रेन स्टेशन की दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया बुलेट ट्रेन का जो ब्रिज का काम था वो भी दिखाया, और बुलेट ट्रेन का जो वापी में रेलवे स्टेशन बन रहा है वो उसका भी नज़ारा मैंने आपको कराया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।